हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पक त्रिपाठी में। जैसा कि आप लोगों ने तो थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल सही देखे हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बताने वाले हैं कि आज बिहार में कितने लोग या कितने भी प्रत्याशी, कितने लोग इलेक्शन में चुनाव चिन्ह या चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, कितने जितने कैंडिडेट हैं, आज हम लोग जानने वाले हैं कि हम उसे ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं आसानी से कि कितने लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं या कितने लोग उनके प्रस्तावक बने हैं, कौन कौन प्रस्तावक बने हैं, उनकी फुल डिटेल्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्रोम बॉक्स में। तो जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो कुछ आपको इसमें सर्च करना होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में यह लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको सर्च करना होगा sec.bihar.gov.in। तो इसमें आपको जैसे ही आप इसमें सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। अब इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 डॉट यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ से आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पर देखे हैं एक न्यू अपडेट आया हुआ है, नो योर कैंडिडेट। मतलब आपके क्षेत्र में या आपके ग्राम पंचायत में जितने भी सदस्य उठे हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं इस समय, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट है, किस पद के लिए, मुखिया, सरपंच या पंच, वार्ड, जितने भी हों, आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आया है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको पद दे दिया है, जिला दे दिया है, प्रखंड दे दिया है और पंचायत का नाम दे दिया है। आप किस पद के प्रत्याशी को आप मतलब ढूंढना चाहते हैं, तो इसमें मैं अगर चुनना चाहूँ, अगर मैं मुखिया की बात करूं तो ग्राम पंचायत मुखिया, तो मैं इसमें सर्च कर रहा हूं, चूज कर रहा हूं इसमें ग्राम पंचायत के मुखिया। हमको मुखिया का पद देखना है कि कितने लोग मतलब मुखिया में खड़े हुए हैं। तो और इसमें जिला हमको सिलेक्ट करना है, तो जिला मैं गोपालगंज इसमें सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद से प्रखंड इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है, आपका मतलब जो भी थाना है या कुछ भी, कहाँ है आपका मतलब ब्लॉक, आपका ब्लॉक कहाँ है। तो इसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ विजयपुर, ये हो गया। उसके बाद से पंचायत का नाम आपको तो एकदम डालना जरूरी होता है, मतलब किस पंचायत के लिए। अब लिखा है जब ग्राम पंचायत तो पंचायत के वास्ते ही हम ढूंढेंगे, तो पंचायत। और उसके बाद से इसमें मैं मुसहरी सर्च करता हूँ, और उसके बाद से मैं सर्च करता हूँ शो पर। जब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा हमको यहाँ पर आपको देख रहे होंगे एक कुल नॉमिनेशन, मतलब 5 ग्राम पंचायत के लिए 5 लोग मतलब उठे हुए हैं, कैंडिडेट 5 कैंडिडेट हैं मुखिया प्रत्याशी के लिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे हम। तो इसमें इस सबका नाम दे दिया है कि इसमें मतलब कौन कौन प्रत्याशी, मतलब कितने प्रत्याशी हैं इसमें। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये प्रत्याशी हैं, ये प्रभावती देवी विजयपुर, इसमें आपको दे दिया गया है। नामांकन की स्थिति यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्वीकृत लिख दिया गया है, मतलब ये जो है इनको पद अपना मिल गया है। ठीक है, अब इनको आपको देखना होगा। अब आप देखना चाहते हैं इनके मतलब इनके प्रस्तावक कौन बने हैं, तो इसके लिए संपूर्ण आपको विवरण देख ले होंगे। अब इस पर जब आप जाएंगे, हमारा ये ओपन हो रहा है, तो इनका आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रस्तावक का नाम यहाँ पर दे दिया है, सुधाकर पांडे, सुधाकर पांडे इनका। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप लोग और आप चाहें कि इनकी जो एफिडेविट थी, मतलब जितने भी इनके कागज है, जितने भी डॉक्यूमेंट से इनके मतलब उसमें लगे थे इलेक्शन के लिए, तो आप इसे यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। अगर डाउनलोड जब आप करेंगे तो इसमें जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं सब आपको मिल जाएगी। जैसे सर्च हो रहा है अभी, जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा ये लोड हो गया है, डाउनलोड हो गया है। अब इसमें देखिए, अब इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी ये लोग एफिडेविट या डॉक्यूमेंट जितने भी लगाए थे, ये सब यहाँ पर दे दिया है। यहाँ से आप इनको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इनके फॉर्म कैसे थे, अगर आपको गुम हो जाए, अगर आपको ये पाना चाहते हैं, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम चाहें, इनका तो हो गया, अब हम चाहें अगर अपने मतलब गांव के केवल वार्ड के लिए या पंच के लिए अगर हम देखना चाहें, सरपंच, पंच या ग्राम पंचायत के सदस्य कोई भी हो, यहाँ पर आप ग्राम कचहरी पंच यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुखिया के लिए ग्राम कचहरी सरपंच, अब हम देखते हैं सरपंच के लिए, ये सब वैसे का ही है। यहाँ से शो करेंगे जब हम,
तो जैसे शो करेंगे तो यहाँ पर कुल तीन कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों कैंडिडेट के नाम और पता जितने भी हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट जैसे मैं आपको बताया डाउनलोड करने के लिए, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सरपंच के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें तीन कैंडिडेट आपको मतलब दिख रहे हैं, या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुल नॉमिनेशन तीन, मतलब तीन इसमें नॉमिनेशन हुए हैं, मतलब ग्राम पंचायत मुसहरी में कुल तीन हुए हैं। अगर हम देखना चाहें इनके पुष्पा देवी और हम इनके पूरा विवरण देखना चाहें, इनके मतलब प्रस्तावक का नाम, तो इनके प्रस्तावक चंदा देवी हैं, ये गोपालगंज जिले की हैं और ये वार्ड संख्या 13 की हैं। ये इस प्रकार फ्रेंड्स, आप कहीं के भी मतलब बिहार राज्य के अगर आप हैं, अगर आप जानना चाहते हैं आपके एरिया के मतलब कौन कौन कैंडिडेट या जितने भी कैंडिडेट के नाम आप जानना चाहते हैं, कौन कौन खड़ा हुआ है इलेक्शन में, तो आप यहाँ से जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।